वहीं भरतपुर में चल रहे सैनी आरक्षण आंदोलन पर सीएम की अपील का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएम ने जयपुर से एक अपील की और उधर भरतपुर में सैनी समाज के आंदोलनकारियों ने सीएम की समझाइश पर आंदोलन समाप्ति की बात कहती है। अब इस बीच आंदोलनकारियों की रिहाई का आदेश आया और सेवर जेल से मुरारीलाल सैनी समेत सभी आंदोलनकारियों की रिहाई कर दी गई है। उसके बाद आंदोलनकारी धरना स्थल पर यहां पर पहुंच रहे हैं और आंदोलन समाप्ति की घोषणा की जाएगी। इस बीच सैनी समाज के नेता पप्पू सैनी और दूसरे आंदोलनकारियों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। तो वहीं इसी तरीके से सीएम की अपील से बात बन गई और एक आंदोलन खत्म हो गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी आपको सुनवा देते हैं कि सीएम की अपील पर सैनी समाज के नेता पप्पू सैनी ने क्या कुछ कहा। सरकार ने जो अपील की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अपील की थी, उस अपील का फायदा यहाँ पर तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से अपील यहां पर की गई थी जयपुर में, जिसका बड़ा असर भरतपुर में देखने को मिला। सैनी समाज के लोगों की तरफ से कुछ ही देर में आपको बता दें कि आंदोलन खत्म करने की घोषणा जो है वो यहां पर की जाएगी। और इसके साथ ही इसी बीच जो सैनी समाज के नेता यहाँ पर जेल में थे, उन्हें रिहाई को लेकर आदेश दिए गए और उनकी रिहाई हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो नेता जो कि यहां पर गिरफ्तार थे वो अब आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे, उसके बाद आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होगी। नवंबर 2013 से मांग कर रहा है माली सैनी कुशवा समाज, तो ऐसा है सरकार को विचार करना चाहिए और आरक्षण पे फैसला करना चाहिए। तो हम तो ये चाह रहे थे, अब मुख्यमंत्री महोदय बात करना चाहते हैं तो हम तो ये कुछ कहेंगे कि आप इस पे काम आगे बढ़ाए, फैसला करो। नहीं, वार्ता करनी चाहिए, वार्ता तो हमेशा रखनी चाहिए, वार्ता होती रहनी चाहिए सर। और देखिए जिस तरीके से बात बनती यहाँ पर नजर आ रही है, फिलहाल वहां पर मौजूदा क्या तस्वीर है वो देखते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव वहां से जुड़ रहे हैं। सीधा देवेंद्र का यहाँ पर रुख करेंगे। देवेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई और अपील का बड़ा असर भी देखने को मिला है। क्या तमाम जो नेता जो कि गिरफ्तार थे, जिनकी रिहाई हो गई है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिर तो देवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं भरतपुर से। ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, जो पहली तस्वीर है, बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग हैं वहां पर एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें कि सभा स्थल पर मुरारीलाल सैनी पहुंचे हैं, जो कि पुलिस के गिरफ्त में थे। सीएम के अपील के बाद बड़ा असर देखने को मिला, उसके बाद रिहाई के आदेश भी आ गए। जो नेता सैनी समाज के नेता पुलिस के हिरासत में थे, गिरफ्त में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। तो सीएम की अपील से साफ तौर पर बात बनती यहां पर नजर आई और इंतजार था कि जो सैनी समाज के नेता हैं वो रिहाई के बाद यहां पर पहुंचे आंदोलन स्थल पर, उसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा उनकी तरफ से की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या यहाँ पर सैनी समाज के जो नेता थे, जो कि पुलिस की गिरफ्त में थे, रिहाई जिनकी हुई है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए, मुरारीलाल सैनी और उनकी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। मुरारीलाल सैनी को गिरफ्तार किया गया था, आज उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री की लीगल टीम पहुंची थी और पूरी वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मुख्यमंत्री की अपील के असर के बाद में अब यहाँ पर मुरारीलाल सैनी है वो पहुंचे। उनको देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमाए, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर है। उनको कंधों पर बैठा लिया गया है और उनको लेकर लगातार नारेबाजी हो रही है। जोश है, युवाओं में खासा जोश है और लगातार लोग इस बात से उत्साहित हैं कि उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया और संघर्ष की कहीं ना कहीं जीत हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब वो जनसमूह को संबोधित करेंगे तो किस तरह अपनी बात रखेंगे।
हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की अपील का यहाँ पर असर होता दिखाई देगा और ये सब पूरे घटनाक्रम से लगातार यहाँ पर चल रहा है उसका पटाक्षेप होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र। और देवेंद्र देखिए बात ये भी यहाँ पर कही जा रही थी कि जब मुरारी लाल यहाँ पर पहुंचेंगे आंदोलन स्थल पर तो उसके बाद जो आंदोलन समाप्ति है उसकी भी घोषणा हो पाएगी, तो उसको लेकर क्या यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है, कितनी देर में हो सकता है कि घोषणा हो जाए समाप्ति को लेकर? देखिए अभी बड़ा अपडेट यही है कि मुरारी लाल सैनी जब लोगों के बीच में पहुंचे हैं तो जन आक्रोश है, जो लोगों में एक तरीके से खुशी भी कह सकते हैं, आक्रोश खुशी के रूप में है, बड़ी संख्या में लोग जयकारे और नारेबाजी कर रहे हैं और वो किस तरह लोगों से बात करेंगे, किस तरह अपनी बात रखेंगे, किस तरह इन लोगों को समझाने में कामयाब रह पाते ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोगों में एक जो नाराजगी थी वो दूर हुई है और लोग खासे उत्साहित है इस बात को लेकर कि उनके लीडर उनके नेता आरक्षण की लड़ाई के जो अगुआ थे मुरारी लाल सैनी वो यहाँ पहुंच चुके हैं और उनको लेकर अब यहाँ पर किस तरीके से वो लोगों को संबोधित करेंगे सब पता चलेगा सारी चीजों का। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र। तो किस तरीके से मुरारी लाल लोगों को समझा पाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। अच्छा देवेंद्र देखिए मुरारी लाल सैनी को रिहा कर दिया गया, उनके साथ जो नेता थे उन्हें रिहा कर दिया गया, इसके साथ ही जो प्रमुख मांगों की बात की जाए आरक्षण के अलावा तो ये भी थी कि आंदोलन में जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उन लोगों के खिलाफ भी FIR को हटाने की बात भी यहाँ पर सामने आई थी, उसकी मांग भी की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया गया है? देखिए जो मसौदा है किन मांगों पे सहमति बनी किन पे नहीं बनी, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप खुले मन से मेरे साथ मेरे पास आइए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत शिविर के दौरान मीडिया में इस तरह का पब्लिक बयान भी दिया, सार्वजनिक रूप से अपील की समाज के लोगों से कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं, बातचीत के लिए आगे आए और उसका सैनी समाज के लोगों ने स्वागत किया है। मुरारी लाल सैनी से हमने कुछ देर पहले बात की थी जब वो सेवर जेल से रिहा हुए थे, उन्होंने कहा कि वार्ता करने में कोई गुरेज नहीं है, अगर मुख्यमंत्री वार्ता करना चाहते हैं तो हमको वार्ता से कोई इंकार नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात मानी जा रही है कि यहाँ लोगों को संबोधित करने के बाद में एक टीम एक कमेटी मुरारी लाल सैनी के नेतृत्व में जयपुर जाएगी, मुख्यमंत्री से संवाद करेगी और किस तरह की चीजें रहेंगी ये अब यहाँ पर जब संबोधन होगा मुरारी लाल सैनी का सब चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र। देवेंद्र जैसा कि जैसे ही सीएम की तरफ से अपील की गई और रिहाई को लेकर आदेश यहां पर सामने आए उसके बाद पप्पू सैनी की तरफ से भी यहां पर सीएम का आभार जताया गया और अगर जैसे कि यहां पर बात हो रही है कि एक टीम जो है वो मुख्यमंत्री से यहां पर मुलाकात के लिए संवाद के लिए वार्ता के लिए जा सकती है तो उन टीमों में कितने सदस्य हो सकते हैं और कौन कौन से नाम यहां पर तय हो सकते हैं उसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए जो कमेटी यहाँ बनाई जाएगी जो सरकार से मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए जो कमेटी जाएगी उस कमेटी का गठन मुरारी लाल सैनी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, वो खुद इस कमेटी का गठन करेंगे, पहले लोगों से संवाद करेंगे बात रखेंगे लोगों को समझाएंगे कि सरकार हमसे वार्ता के लिए तैयार है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार है, हमको वार्ता करनी चाहिए, इस तरह लोगों को पहले अपने लोगों को विश्वास में लेंगे और जब अपने लोगों को विश्वास में लेंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि जो मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उस अपील के जरिए तो ये बताया जाए कि सरकार जब उनकी मांगे मानने को तैयार है तो लोकतांत्रिक तरीके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कोशिश यही कि बातचीत हो पाए।